अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, जेफ़ार जुनेद चैनल पर वेलकम। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पिक्स आर्ट के ज़रिए कैसे अपना फेस लोगो बना सकते हैं, यानी कि अपनी पिक्चर लगाकर अपना फेस लगाकर कैसे लोगो अपना बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ब्लैंक जो है बैकग्राउंड वो ले लें वाइट कलर का। उसके बाद हम ऐड फोटो में जाएंगे, वहाँ पे हम जाकर ये देखें ये पिक्चर उठाएंगे। ये पिक्चर हमने उठा ली तो इसको हम सेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपने साइज़ के मुताबिक। जहाँ से हम क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप करके जितना इसका हिस्सा चाहिए वो हम क्रॉप कर लेंगे। ये देखें क्रॉप हो गए, इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आप कटिंग अच्छी तरीके से कर लें। इसके बाद हम अब जाएंगे कलर में, कलर में जाके ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट करेंगे और सॉफ्ट लाइट और जो इफ़ेक्ट होगा वो सॉफ्ट लाइट का लगाएंगे। और इसकी जो अमाउंट है इसको हम सेट करेंगे जहाँ पर ये सेट होती है। अब यहाँ पर 56 मैंने सेट कर दी है। अब हम ड्रा में जाएंगे, ओके हमने कर दिया था। इसके बाद हम ड्रा में गए, ड्रा में ये ड्रा पे क्लिक किया, वाइट कलर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये वाइट बैकग्राउंड हमने इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि जब हम वाइट कलर ऊपर करेंगे तो वो नज़र ऊपर ना आए। ये देखें अभी हमने वाइट कलर सिलेक्ट किया और इसका हम साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे। ओपेसिटी 100 ठीक है। और अब हम जो भी मॉडल के जो आपके जो चेहरे के साथ जो भी होगा उसको हम रिमूव करेंगे, जो भी साथ चीज़ें नज़र आ रही। ये देखें और इसके नीचे से गुलाई में शेप दे देंगे ताकि बाद में हमारा जो सर्कल होगा उसके अंदर ताकि ये फिट अच्छी तरीके से फिट हो सके। जी ये हो गया। अभी हम जाएंगे यहाँ पर ये जो शेप्स वाला है इसमें जाएंगे, ये हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे और इसको फिल नहीं करना है, स्ट्रोक पे करना है। स्ट्रोक पे करके और इधर से हम कलर ब्लैक सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसको इधर से भी ओके कर सकते हैं और फिर जाकर टेक्स्ट में जाके कर सकते हैं या इधर से डायरेक्ट टेक्स्ट में चले जाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे जेफ़ार जुनेद और फिर हम अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट दो जो देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको फॉन्ट हम ये देंगे जो थर्ड नंबर पे है, ये हम थर्ड नंबर पे सही है, आई थिंक ये सही है, ये हम देंगे, ये हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा लोगो तैयार है। इसको हम ये जो लेफ़्ट साइड पे जो थ्री जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इसका स्टिकर जो होगा वो सेव कर लेंगे। ये आपके पास हम ये क्रॉप कर रहे हैं। क्रॉप करने के लिए अब दोबारा एडिटिंग में चले जाएंगे, वहाँ पे आप क्रॉप टूल जो होगा शेप वाला वो यूज़ करेंगे और गुलाई में ये जो सर्कल वाला होगा ये आप करके उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें बारीकी में अगर करना हो तो। ये हमारा स्टिकर सेव हो गया। अब जहाँ पर भी जिस पिक्चर पर चाहें हम ये लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।